भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिल्म ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन में उड़ता है, और ना उस मारी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1,000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और तू दुष्ट के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेगा, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे इसने किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान में रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घ आयु से युक्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए मेरे यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ इस जीवित वचन के लिए मेरे प्रभु, जो आपका ये सुंदर वचन हमारे जीवन में आया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए मेरे प्रभु, जितने लोग आज इस वचन को सुना है मेरे पिता परमेश्वर, उन लोगों पर प्रभु इस वचन को मैं अनाउंस करती हूँ, उनके जीवन के लिए वचन अनाउंस करती हूँ पिता। होने दे पिता परमेश्वर ये वचन प्रभु उन लोगों के जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर। ये जीवित वचन प्रभु उनके जीवन में प्रभु फ्लोली काम करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच में प्रभु, जब हम संकट में होते हैं तो आप हमारे संग होते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें सारे दुष्ट के कार्यों पर अधिकार दिया है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप प्रभु जी हमारी रक्षा करते हैं प्रभु। आप अपने स्वर्गदूतों को हमारे लिए आज्ञा देते हैं, हमारे आने जाने में प्रभु आपके स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जितने भी लोग प्रभु जी आज अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं प्रभु, जितने भी आज भय में चल रहे हैं पिता, जितने भी आज संकट में हैं प्रभु, होने दे प्रभु ये वचन इन लोगों के लिए है प्रभु, जो अकेला महसूस कर रहे हैं प्रभु, उनके संग आप हैं पिता परमेश्वर। जो प्रभु अपने जीवन में बहुत परेशान है प्रभु, उनके लिए प्रभु आप गढ़ और शरण स्थान है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु नासरी प्रभु, आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज ये जीवित वचन इनके जीवनों में प्रभु कार्य करने लगे प्रभु। इस वचन के अनुसार प्रभु आप सबके जीवनों में कार्य करे पिता। हम धन्यवाद देते हैं। सारी परेशानियां, सारे दुख दर्द प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवनों से दूर चली जाए पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।